जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 16वें दिन भी जारी। किसान बोले 11 तारीख को देश भर में फूकेंगे ब्रजभूषण का पुतला। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की महिला पहलवानों को धरना देते हुए 16 दिन हो चुके हैं। पहलवानों ने अपना धरना प्रदर्शन मंगलवार को 17वें दिन भी जारी रखा है। पहलवानों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। इसके अलावा अब किसान भी पहलवानों के समर्थन में उतर आए हैं। किसानों का कहना है कि 11 मई को देश भर में कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण का पुतला फूकेंगे। पहलवान लगातार ब्रजभूषण के खिलाफ कार्यवाही की बात कर रहे हैं। सरकार को दे रखी है 21 मई की डेडलाइन। पहलवानों ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए 21 मई तक डेडलाइन दी थी। पहलवानों के इस आंदोलन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवान जंतर मंतर पर कैंडल मार्च भी निकाल चुके हैं। पहलवान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ब्रजभूषण का कहना है कि अगर मेरे खिलाफ सबूत मिले तो मैं फांसी लगा लूंगा। वहीं किसानों ने भी अब देश भर में ब्रजभूषण का पुतला फूंकने की ठान ली है और इसके लिए 11 मई की तारीख रखी है। क्या है पूरा मामला? दरअसल पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उन्हीं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों ने धरना दिया है। पहलवानों का कहना है कि हम जानते हैं कि बिना जांच के पुलिस किसी को गिरफ्तार करने के लिए नहीं कर सकती। पीड़ितों को पहले अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से नाराज नहीं है। उन्होंने FIR दर्ज करवाने में मदद की और जाँच का काम पुलिस का है।